दोस्तों बिग बॉस के वीकेंड का वार पे सलमान ने करवाया काला दिल टास्क, द फेमस काला दिल टास्क, और वहां पे विवियन को किया चांद पानी ने टारगेट। तो सलमान ने कह दिया बड़ी बात, कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सलमान ने किया है चाहत को सतर्क आगाह। ऐसा तो क्या हो गया जिसके बाद यहां पे सलमान को आगाह करना पड़ा है, बताते हैं पूरी खबर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएगा कि आपका क्या टेक है इस पे। दरअसल दोस्तों सलमान खान जो है वो यहां पर वीकेंड का वार पे द फेमस टास्क ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में दोस्तों ये चीजें होते नजर आती है। और जब भी दोस्तों ये टास्क होता है उसके बाद जन्म लेती है घर के अंदर कुछ बड़ी राइवलरी का, और वो दोस्तों हर सीजन में यही कहीं ना कहीं दोस्तों काला दिल से वो स्टार्ट होता है, काला दिल और वो पाप की पोटली वाला टास्क। दोस्तों वहां पर ये दोनों फेमस टास्क ऑफ बिग बॉस सीजन है दोस्तों, जहां पर यह चीज दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब यहां पर सलमान खान के सामने सभी कंटेस्टेंट आते हैं और बताते हैं कि उनके हिसाब से कौन सा सदस्य है जिनके अंदर यहां पर या तो पाप की पोटली बढ़ी हुई है या फिर काला दिल है, जिसके बाद दोस्तों यहां पर एक दूसरे से इक्वेशंस भी क्लियर होते हैं और यहाँ पे टास्क वगैरह में टीम को उसी तरह से बांटा जाता है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि जब सलमान खान ने बोला कि चलिए अब जो है यहाँ पर सभी लोग करणवीर और जो विवियन है उनमें आइए और यहाँ पे काला दिल के अंदर वो पानी डालिए, और जिनका भी काला दिल ज्यादा भर जाएगा उनका दिल ऑब्वियसली यहाँ पर घर के अंदर काला होगा। वो घर के अंदर की बात है दोस्तों, अब उसको कोई बाहर से मत रिलेट कर लेना, वो फालतू की बात हो जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पे सलमान खान ने जब बुलाया यहाँ पर करणवीर और बुलाया यहाँ पर विवियन को, तो चाहत पांडे आई सबसे पहले और चाहत पांडे ने दोस्तों एक बार फिर से पर विवियन डिसेना को कर दिया है टारगेट। सलमान ने कहा है दोस्तों कुछ बड़ी बात, दरअसल सलमान बोलते हुए नजर आए कि क्या आप किस में डालना चाहेंगे चाहत, जिसके बाद चाहत बोलती है कि सर मैं यहां पर विवियन के दिल को काला दिन मानती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों के बारे में कुछ भी बोलते हुए नजर आते हैं, इनकी बातें सेंस नहीं करती, इनको ऐसा लगता है कि ये सेंस बहुत करते हैं, बहुत सेंसिबल है, फैमिली मैन है वगैरह वगैरह, बट ये जब दूसरों को बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो कोई तमीज की सीमा नहीं रहती और वो बहुत कुछ बोल जाते हैं और मुझे ये काफी ज्यादा बदतमीज भी लगते हैं। जी हाँ, इस तरह की तमाम बातें जब कहते हुए नजर आए तो सलमान खान बोलते हुए नजर आए कि चाहत ऐसा लगता है कि आप थोड़ा जो है यहां पर अलग ही चीज़ों को लेकर के बज रही हो, बट दोस्तों यहाँ पर इन सब के बीच में पावर भी मिल जाता है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ होता है दोस्तों, जब भी यहाँ पर ऐसी कोई भी टास्क होती है तो किसी न किसी के हाथ में पावर आती है, और वो दोस्तों एक टास्क जब यहाँ पर आपको मालूम है घर के अंदर यहाँ पर विवियन वर्सेस केवी को सेट किया है करणवीर मेहरा को, और वो इसके वजह से ये सारे टास्क इस टाइप के सारे टास्क करवाए जाएंगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि बेसिकली इनको सेट करना, और जब चाहत ने इसको टारगेट कर दिया बेसिकली यहाँ पर सलमान खान उसको ये बात बोलते हुए नजर आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चाहत और विवियन के रिश्ते जो है वो काफ़ी है और वहां पर इन जैसे जो एक एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आए वो, या जो रीजंस दिए उन्होंने वो थोड़ा सा यहां पर ऐसा लगा कि वो ऐसा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया दोस्तों, वो सारे रीजंस देते हुए नजर आए जो कि सलमान चाहते ही नहीं इन दोनों के बीच में आए, और इसके वजह से चीजों को क्लियर करते हुए नजर आए कि भाई वो चीजें नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली क्लियर इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि इनके बीच में थोड़ी क्लैरिटी आए और दोस्ती वगैरह भी कुछ हो पाए। सलमान ने तो साफ साफ कहा कि आपने जो ये टारगेट किया वो साफ नजर आ रहा है कि आप सिर्फ यहां पर विवियन को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान खान ने बात सही कही या नहीं, कमेंट अपनी राय जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।